आपके लिए हलवा कद्दू चिकन की रेसिपी तैयार करनी है। इसको नोट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसको तैयार करने के लिए आपने एक पैन लेना है, उसमें आपने एक कप घी को शामिल कर देना है। जैसे घी गर्म हो जाएगा तो एक अदद प्याज आपने इसमें शामिल कर देनी है स्लाइस में काट के। इस तरीके से आपने प्याज शामिल कर देनी है। अब हम प्याज को नरम करेंगे। ये देखें इस तरह से जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी, अब हम इसमें 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल करना है। इसको भी 1 मिनट तक पकाना है। जैसे ये लहसुन अदरक पक जाएगा, अब हम इसमें 2 टेबलस्पून लाल मिर्चों को शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने 2 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्चों को शामिल कर देना है। 1 टीस्पून इसमें हल्दी को शामिल कर देना है। नमक हसबे जरूरत आपने इसमें शामिल कर देना है। हमने 1 टेबलस्पून नमक को इसमें शामिल किया। अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे मसाले। हलवा कद्दू चिकन की रेसिपी हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना। अब हम इसमें 2 अदर टमाटरों को शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने 2 अदर टमाटर शामिल कर देंगे और इस तरीके से मिक्स कर लेना। ये देखें इस तरह से जब हमारा मसाला तैयार हो जाएगा, ये देखें कितना प्यारा घी नजर आना शुरू हो गया। ये देखें इस तरह से जब मसाला तैयार हो जाएगा, हम इसमें चिकन को शामिल कर देंगे। 1 kg आपने चिकन इसमें शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेना। आप चिकन के साथ मसाले की बुनाई कर लेनी है। तरीके से जब मसाले की बुनाई हो जाएगी चिकन के साथ, हम इसमें 1/2 कप पानी को शामिल कर देंगे। इस तरीके से 1/2 कप पानी आपने इसमें शामिल कर देंगे, फिर इसको मिक्स कर देना। ये देखें इस तरह से हमने पानी डाला था, अब हम इसमें हलवा कद्दू को शामिल कर देंगे। 1 kg हलवा कद्दू आपने इसमें शामिल कर देना है। कच्चे चिकन में हमने हलवा कद्दू शामिल किया, चिकन को हमने पकाया नहीं था। अब हलवा कद्दू और चिकन इकट्ठे पकेंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी को शामिल कर देंगे। अब हम इसको 1/2 घंटे के लिए लो फ्लेम में कवर करके रख देंगे ताकि ये गल जाए अच्छे तरीके से। ये देखें इस तरीके से आपने हलवा कद्दू चिकन तैयार करना है। ये देखें अब ये बिल्कुल तैयार है। ये देखें कितना मज़े का और डिलीशियस तैयार हुआ। इस तरीके से आपने इसको तैयार करने, देखें कि ये कितना अच्छा नज़र आ रहा है इसमें। इस तरह से आपने इसको तैयार करना है। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें इस तरीके से आपने इसको सर्व करना है। ये देखें बहुत मज़े का डिलीशियस तैयार होता है। आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना है और हमें ज़रूर बताना है कि आपको हमारे हलवा कद्दू चिकन की रेसिपी कैसी लगी। इस तरीके से आपने तैयार करना है। ये देखें इस तरह से आपने हलवा कद्दू और चिकन की रेसिपी तैयार करनी है। ये देखें कितना मज़े का डिलीशियस तैयार हुआ है। लास्ट में आपने इसमें धनिया और हरी मिर्चों से इसकी सर्विंग करनी है। ये देखें आप इसको अफ्तारी के टाइम बनाएं, सहरी के टाइम बनाएं, बहुत मज़े का डिलीशियस तैयार होता है। इसके साथ आपने बॉयल्ड राइस की सर्विंग करनी है, इतना मज़ा आता है। आप इसके साथ बॉयल्ड राइस, वाइट बॉयल्ड राइस सर्व करें, सैलड रायता और साथ में अचार, बहुत मज़े का ये तैयार होता है। आप इसके साथ इसकी सर्विंग करें, आपका मज़ा दोबाला हो जाएगा। इस तरीके से आपने इसको घर में तैयार करना है और हमें ज़रूर बताना है कि आपको हमारे हलवा कद्दू चिकन की रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट टाइम हम और मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।